तो गाइज इधर ही मैं अपना बाइक चार्ज करती हूँ, तो भी एक्चुअली भैया ने भाई मिस्टेक इधर लगा दिया है, तो वही एक ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मैं ही पे कर दी क्योंकि मैं बाइक चार्ज करती हूँ। इस पर बहुत ज़्यादा आया गाइज, बहुत ज़्यादा। तो गाइस कैसे लगा आप लोग को साउंड? अच्छा लगा ना? वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं, आपको सामने सामने घड़ी दिख रहा होगा, अभी 2:15 और मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि मिंट नहीं था, मैं मिंट लेके आ रही हूँ, आई हूँ अभी, और मैं बना रही हूँ अभी मिंट का पुलाव। तो आप लोग भी बने रहिए, और आप लोग के साथ में आज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मिंट का पुलाव, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? तो मैं फटाफट से पहले मिंट को तोड़ लेती हूँ, कीड़ा तो नहीं रहता ना इसमें, फिर मैं इसको ना पीसूँगी मिंट के पुलाव के लिए। एक्चुअली मिंट पुलाव ना बहुत अच्छा लगता है, मैंने ही खा दी थी पर मुझे किसी ने बताया कि बनाओ ऐसा, तो फिर मैं बनाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सभी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बहुत अच्छा बनता है। तो उससे पहले इसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल है। मैं आराम से नीचे पर्स में बैठ के कर रही हूँ काम। सो गाइस आप लोग कैसे हो? चलो फटाफट से मिंट तोड़ लेती हूँ, ठीक है? सब्जी कट कर लेती हूँ, देन जब प्रोसेस स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं आप लोग को जब शेयर करूँगी, ठीक है? तब तक मैं फटाफट से कर लेती हूँ। सो गाइस मैंने क्या बोलते हैं, ये देखो ये मैंने पीस लिए हैं मिंट, और यहाँ पे मैं भूल गई थी एक्चुअली बनाना। यहाँ पे इस कढ़ाई में क्या रखी है, तो इस कढ़ाई में रखी है गाजर बीन्स विथ लॉट्स ऑफ खड़ा मसाला। तो ये हो गया, और मैं क्या करूँगी, घी में मैंने फ्राई किया है, मैं इसमें डाल दूँगी मिंट। डाल दिया, डालने के बाद अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखो देखा, सुबह में थोड़ा फ्राई करेंगे, फ्राई होने के बाद जब तेज खोलेगा फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे, देन नमक दे के फिर हम कुक करेंगे कुकर में। तो समझो ये बन गया, तो मिंट पुलाव कुछ ऐसे ही बना रही हूँ गाइस। चलिए बने रहिए आप लोग। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा से। तो ये देखो ये बन रहा है, और ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। अभी मैं चावल लेके आके इसमें ऐड करूँगी, चावल लेके आती हूँ, देन उसके बाद हम चावल उसमें ऐड करेंगे, देन वी विल ऐड सम। ये देखो गाइस राइस मैंने मिक्स कर दिया है, अभी मिक्स करके मैं इसे थोड़ी सी चलाऊँगी, थोड़ा सा चलाऊँगी, देन उसके बाद इसमें पानी रख के कुकर में लगा देंगे सीटी। कुकर में तो अभी विसल लगाऊंगी, उसके बाद बन जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? तो अब हम चले खाने। सो गाइस हम लोग का, हम तीनों का हो गया लंच, अभी बज रहे 4:30। हम अभी इतना लेट ही लंच करते हैं जी हाँ, क्योंकि कभी कभी मैं खा लेती हूँ जब बहुत भूख लगती है, तो क्योंकि इसका आने का टाइमिंग ही वही है। कितने बजे आता है ये? आता है 4:30, 4:15 हो ही जाता है हमें खाते खाते। तो हो गया है 4:15 हो रहा है, हो गया है हम लोग का खाना वाना, और पता है खाते खाते ही हमें शौक लग गया। पता है क्या, मैं दिखाऊँ आप लोग को? दिखाती हूँ एक मिनट में दिखाती हूँ। देखो गाइज आप लोगों को ये देख के समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल है इस बार क्या है।
यहाँ बैंगलोर में कर्नाटका में, अब मुझे नहीं पता कि ऑल ओवर कर्नाटका में है या फिर एरिया वाइज है, अभी अभी कुछ हमें पता नहीं है, इसलिए थोड़ा बताती हूँ आपको। देखो हमारा बिल आया है 748 रुपीज़, ठीक है, और ऑलमोस्ट ऐसे ही आता है क्योंकि हम लोग बाइक वगैरह चार्ज करते हैं ना, और हमारा फ्रिज कंटिन्यू चलता है। पहले तो मैं बंद कर देती थी, बट मुझे बताया कि बंद ऑन ऑफ नहीं करना है फ्रिज, तो मैं अभी नहीं करती हूँ ऐसे है। और फिर इंडक्शन चलता है और जो पंखा वंखा टीवी है वो चलता ही है, चलो ठीक है। और यह डेट भी देख लो, 12 तारीख का है, इसी मंथ का है। और ये देखो अभी हमारा कितना बिल है, 748 रुपीज़, ठीक है, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। और हमें क्या है ना, ASD एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज बोलो या फिर एक्स्ट्रा यूसेज बोलो, जो भी बोलो, यहाँ लिख के ASD to be paid 11-11-70 इतना पे करना है। इग्नोर इफ़ पेड इन आ ईयर हमें पे करना है। अब इस साल का तो इतना ही है, 1170 रुपीज़, 1170 रुपया, ये हमें इतना, यानी कि 748 प्लस 1170 रुपीज़ हमें पे करना है इस मंथ में, मतलब हो गया आपको 1800 रुपया लगभग आपको पे करना है। और बताइए इतना ज़्यादा, पहले नहीं होता था ऐसा, बट अभी ऐसा होने लगा है। उन्होंने बताया है कि कुछ एक्स्ट्रा यूसेज है इसकी वजह से हमें इतना पे करना है। अब राम जाने क्या एक्स्ट्रा यूसेज है। और जो हमें 50% ऑफ मिला था वो गया, अब नो ऑफ एंड ऑल, ऑफ होने के बाद शायद 748 रुपीज़ आया है, और उसमें प्लस और ऐड हो गया 1170। तो कुछ ऐसे ही है, पहले तो हमें पता चला कि ऑफ है ऑफ है ऑफ है, फ्री है फ्री है फ्री है, अब जब फ्री हो गया, हमें तो नहीं मिला फ्री, 50% ही आई गेस मिला है जहाँ तक मुझे पता है, फ्री हो गया तो ये अलग सा चार्ज है जो कि हर साल हमें पे करना है, बोला ये साल में एक बार ही पे करना है, जो भी आया था बेस्कॉम से जो आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं। तो देर इज, तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है, अगर इधर ऑफ है तो इधर से वसूली हो जाता है, इधर हमें पे करना है। तो कर्नाटका में कुछ ऐसे ही है, अभी तो बेंगलोर के कुछ पार्ट्स में भी बोले हैं कि ऐसा हर जगह है, अभी से अभी इस मंथ से लागू हो जाएगा। तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था, मेरे से समझ नहीं आता है, बाप रे बाप इतना ज़्यादा अमाउंट हमें पे करना है, 1170 प्लस 748। मुझे लगता है अब इलेक्ट्रिक बाइक है, अब मुझे टेंशन हो रही है कि मैं इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज कैसे करूँगी, मुझे ना एकदम से टेंशन हो रही है। लग रहा है घर का पंखा बॉल बल्ब ट्यूबलाइट सब खोल के रख दूँ, और वो कहते हैं ना पहले ज़माने में जो लालटेन में बैठते थे उसे बैठी रहूँ। गाइस मैं क्या बताऊँ, इस मंथ का बहुत ज़्यादा बिल आ गया, बहुत 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 ज़्यादा, आफ्टर 50% ऑफ इतना ज़्यादा बिल है। और पता नहीं जिन लोग का 100% ऑफ है, बैंगलोर में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका 100% ऑफ है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका कितना होगा पता नहीं। तो यही बात है यार, मैं तो मुझे टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, मेरे चेहरे पर भले आपको हंसी देख रहा होगा कि अंदर से मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है और टेंशन भी हो रही है, पर क्या कर सकते हैं, माई गॉड बताओ है घर में 1 BHK हाउस में हमें इतना पे करना है, भगवान लगता है अब खाना पीना त्याग देना है, अब वनवास को जाना है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है और ना ही पेमेंट का झंझट झमेला होता है। तो गाइस तो मेरा मूड एकदम से ख़राब हो गया, मैंने वो मीट पुलाव खाया, आप लोग तो देखे ही बनाई, और मीट पुलाव खा करके जस्ट खाई भी नहीं थी, मैं अपने बेबी को खिलाई और मैं भी खा रही थी, ये भी खा रहे थे, तीनों को ही खाते खाते पता चला कि इतना बड़ा ओ झटका पता नहीं कैसे पे होगा। और ऐसा है ना कि जो एक्स्ट्रा यूसेज जो हमने किया है वो तो एवरी मंथ से हम पे कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जो हमने पे किया एक्स्ट्रा यूसेज है ना, दैट अमाउंट आई हैव टू पे इन अ वंस इन ए ईयर, एंड इट इज़ क्लियरली रिटन हियर, इट्स ये सी, ये जो है ना चौकड़ी बना है ना यहाँ पे, देखो 11-11-11-70 ऑलरेडी, देखो ये ऑलरेडी लिख के आया, पता नहीं इसमें ही दिख रहा है। तो मेरा ना बहुत मुझे टेंशन हो रही है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, मुझे मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, सो जाने से क्या होगा, टेंशन थोड़ी चली जाएगी यार, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल समझ में नहीं आता एकदम से, कुछ भी यहाँ पे ना कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है, पहले से किसी को कुछ भी नहीं पता होता है, क्या कर सकते हैं। चलो गाइस मैं वीडियो को रखती हूँ, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बात करनी कोई नहीं हो रहा है, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, थोड़ा मैं मिनिमाइज हो जाऊँ उसके बाद। ऐसा नहीं सबका ऐसे ही बिल आया है, सब लोग परेशान हैं अभी, क्या करूँ यार।
तो ये गवर्नमेंट का न्यू रूल, कर्नाटका गवर्नमेंट यानी कर्नाटका में न्यू रूल्स है गवर्नमेंट की तरफ से, बेस्कॉन की तरफ से, कि वी ऑल हैव टू पे दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी वन, दे हैव टू डिफरेंट अमाउंट दे हैव टू पे फॉर पे, सो वी गोना पे फॉर इट, रहना है तो पे करना है, क्या कर सकते हैं और देखते हैं। ठीक है गाइज, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी नेक्स्ट व्लॉग में, मिलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी हिम्मत नहीं है ना ही ब्लॉग शूट करने की ना ही वीडियो शूट करने की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इतना पेमेंट है यार, हमें कुछ पता नहीं था कि ऐसा बिल आएगा, बट एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग पे करेंगे ASD बोल के, पता नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं।